भारत सरकार के एक राष्ट्र एक चालान अभियान के तहत आज ऊना पुलिस ने भी ऑनलाइन चालान प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। दरअसल इससे पहले पुलिसकर्मी एक कागजी फॉर्म पर चालान करते थे, लेकिन ऑनलाइन चालान प्रक्रिया शुरू होने से चालान प्रक्रिया पेपरलेस भी हो जाएगी। ऊना जिले में 60 पुलिसकर्मियों को ये टैब देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 35 टैब वितरित कर दिए गए हैं, जबकि जल्द ही 25 और टैब पुलिस विभाग कर्मियों के हाथों में थमा दिए जाएंगे। इन टैब के जरिए जहां पुलिसकर्मियों को चालान करने में आसानी होगी, वहीं चालान से प्राप्त राशि का हिसाब रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। वहीं जिसका चालान हुआ है तुरंत उसके मोबाइल पर भी इसकी संबंधी सारे संदेश आ जाएंगे। इसके साथ ही चालान कटवाने वाले की जेब में अगर रुपए नहीं है तो वह ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। एसपी उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद ही इस सुविधा को शुरू किया गया है। एक तरफ सरकार और शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में उच्च स्तर की शिक्षा मुहैया करवाने का दावा कर रहे हैं, वहीं सरकार और विभाग के इन दावों की कलई ऊना के ही एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका ने खोलकर रख दी है। दरअसल ऊना के गांव घुसाड़ा के प्राइमरी स्कूल डोम की एक अध्यापिका ने पिछले कल छात्रा द्वारा लिखे गए संडे मंडे में वेडनेसडे संडे से लेकर सैटरडे तक गलत शब्दों पर ठीक का निशान लगा दिया। जब छात्रा के परिजनों ने ये गलती देखी तो उन्होंने अध्यापिका से मुलाकात की, लेकिन अध्यापिका ने उन्हें आगे भी ऐसे ही पढ़ाने की बात कह दी। छात्र के पिता ने कहा कि इससे पहले भी अध्यापिका ने गलत शब्दों को ठीक कर दिया था, जिस पर अध्यापिका ने आगे से ऐसी गलती ना होने की बात की थी, लेकिन अब फिर उन्हीं गलतियों को दोहराया जा रहा है। छात्रा के पिता ने कहा कि बच्चे अध्यापकों के पढ़ाई पर ही विश्वास करते हैं, लेकिन अगर अध्यापक ही बच्चों को गलत पढ़ाएंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। वहीं इस मामले पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक संदीप कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारी से जांच करवाने का दावा किया है। उपनिदेशक ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के नोगली व राजपुरा के मध्य पहाड़ी से फिसलकर एक बकरी 14 दिन पहले चट्टानों के बीच बनी दरार में फंस गई थी। कुछ दिन तक बकरी का भेड़ पालक को काफी खोजबीन करने के बाद भी पता नहीं चला, लेकिन दो दिन पहले किसी को पहाड़ी के बीच से बकरी की आवाज सुनाई दी। जब नीचे से चट्टान के मध्य बनी दरार में बकरी नजर आई तो उसके बाद रेस्क्यू के प्रयास किए गए, लेकिन उसे वहां से बाहर निकालना मुश्किल हो गया था। रामपुर के फायर ब्रिगेड और बायल परियोजना के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन सभी ने इस जोखिम के आगे हाथ खड़े कर दिए। इसी बीच रामपुर के होमगार्ड के जवानों और स्थानीय युवाओं ने भूख से तड़प रही बकरी को निकालने के लिए जान जोखिम में डालकर प्रयास आरंभ किया। चट्टान के बीच बनी दरार पतली होने के कारण उसमें नीचे जाना काफी मुश्किल था। जरा सी गलती जान के लिए आफत बन सकती थी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद चट्टान में चढ़कर ऊपर से युवक दरार में गए और बकरी को सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों ने ऐसे हौसलावन युवाओं को पुरस्कृत करने की भी मांग उठाई है। हरभजन सिंह कायस्थ होमगार्ड प्लाटून कमांडर ने बताया कि करीब 15 दिनों से नोगली में बकरी फंसी थी। बकरी को निकालने रामपुर से फायर ब्रिगेड और वायल से CISF की टीम भी आई थी, लेकिन वो इसमें असफल हुए। लेकिन वे और उनके साथियों ने हिम्मत जुटाकर चट्टान की दरारों के बीच गए और बकरी को सुरक्षित निकाला। राकेश वर्मा होमगार्ड जवान ने बताया कि नोगली के समीप करीब 15 दिनों से चट्टान के मध्य बकरी फंसी थी, जिसे निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और CISF की रेस्क्यू टीम पहुंची थी, लेकिन वे उसे निकालने में असफल रहे। लेकिन वे और उसके साथी जान जोखिम में डालकर चट्टान में चढ़े और चट्टान में बनी दरार की खाई में उतरे और वहां से काफी मशक्कत के बाद बकरी को सुरक्षित बाहर निकाला।
हमीरपुर एनआईटी परिसर में 5 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीसीपी सीताराम मैडी ने की। इस बैठक में हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, कुल्लू के एसपी, एएसपी, थाना अधीक्षकों को पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में क्राइम को रोकने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त रखना है तो पेंडिंग केसों को सुलझाने के लिए चर्चा की जाती है। मंडी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कंट्रोल में है और इस बार चुनावों में भी हिमाचल पुलिस ने बेहतर काम किया है। डीजीपी सीताराम मैंडी ने कहा कि लोगों को तुरंत पुलिस की सेवा मिलने के लिए 112 नंबर बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 112 नंबर डायल करने से लोगों को सुविधा मिल रही है और इस नंबर से तुरंत मदद पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि 112 का जनता को जानकारी कम होने के कारण पूरी तरह से लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सीताराम मैंडी ने बताया कि नशे के मामले ज्यादातर पंजाब और हरियाणा राज्य में देखने को मिल रहे हैं, जबकि पड़ोसी प्रदेश उत्तराखंड में ये मामले कम हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुलिस नशे के मामलों पर लगातार काम कर रही है और अधिकतर मामलों को सुलझाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा के द्वारा नशे के साथ पकड़े जाने पर गैर जमानती होने में देरी है, क्योंकि एक्ट को केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मर्डी ने कहा कि पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम चली हुई है और प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर काफी अधिक है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसको कम करने के लिए सरकार व विभाग पूर्णतया से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग यातायात नियमों के पालन करवाने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए कई बार चालान का सहारा भी ले रहा है, ताकि लोग नियमों का पालन कर सकें।